नमस्कार दोस्तों, इस स्टूडियो आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो फ्रेंड, आज की जो वीडियो होने वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ आईपीएल के बारे में और सुपर कप के बारे में। अगर आप नॉर्थ यूनाइटेड एफसी का फैन हो या फिर आप हो एटीए का फैन, तो फ्रेंड आप इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना। तो फ्रेंड, सबसे पहले बात करते हैं आईपीएल के बारे में, जो कि कल हमें एक खेल देखने को मिला, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ था, जहाँ खेला दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद। दोनों टीमों के बारे में अगर बात करें, दोनों टीम काफ़ी अच्छा खेला, लेकिन अगर देखा जाए दिल्ली की जो टारगेट था वो उतना अच्छा नहीं था, और इसी कारण से दिल्ली ने जो टारगेट दिया उतना अच्छा नहीं था, और इसी कारण से सनराइजर्स हैदराबाद वो आसानी से जीत गया। तो फिर बात करते हैं आज के मैच के बारे में। आज जो मैच होने वाला है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगल और कोलकाता किंग राइडर्स टीम जो है बहुत ही अच्छी टीम है, लेकिन अगर देखा जाए रॉयल चैलेंजर्स बेंगल अभी तक एक भी मैच नहीं जीता, और इस मैच को जीतना होगा, नहीं तो भाई काफी मुश्किल हो सकता है। बात करते हैं आगे जाकर जो मैच देखने को मिलेगी। सबसे पहला मैच यानी कि दोपहर 7 बजे जो मैच होगा वो खेलेगा चेन्नई सुपर किंग और किंग इलेवन पंजाब। दोनों टीम काफी इंटरेस्टिंग टीम है, मुझे लगता है किंग इलेवन पंजाब जीतने के चांसेस थोड़ा ज्यादा रहेगा। आपको क्या लगता है पटना नीचे कमेंट पे। तो फिर उसी के साथ साथ अगर बात करें, रात 8 बजे जो मैच होने वाले वो खेलेगा सनराइजर हैदराबाद और मुंबई इंडियंस। ये दोनों टीम भी काफी इंटरेस्टिंग टीम है, कौन जीतेगा नीचे बताना कमेंट पे एक बार। तो फिर बात करते हैं इस टाइम पे पॉइंट टेबल। तो फिर इस टाइम पे अगर पॉइंट टेबल देखा जाए, सनराइजर हैदराबाद की पॉइंट सबसे ज्यादा है, और सबसे नीचे जो है वो है आरसीबी। यानी कि आरसीबी के बारे में अगर बात करें, इस टाइम भी एक भी मैच नहीं जीता, तो फिर ऐसे में आरसीबी का पॉइंट नीचे होना स्वाभाविक है। तो फिर उसी के साथ साथ अगर बात करें रन के बारे में, इस टाइम पे अगर देखा जाए सबसे ज्यादा जो रन बनाया वो है सनराइजर हैदराबाद के प्लेयर डेविड वार्नर, एक बहुत अच्छा प्लेयर है, और इस टाइम पे अगर देखा जाए 264 रन उसका हो चुका है, और आगे जाके और भी रन बनाने वाला है। तो फिर बात करते हैं कोलकाता किंग राइडर के बारे में। तो फिर अगर आप कोलकाता किंग राइडर की फैन हो या फिर चेन्नई सुपर किंग का फैन हो, तो फिर ऐसे में अगर आप चाहते कि भाई एक टी शर्ट खरीदना जो कि भाई कोलकाता किंग राइडर की ब्रांडिंग हो, यानी कि कोलकाता किंग राइडर की भाई लोगो वोगो लगा हो, तो फिर ऐसे में आपको ढूंढने में काफ़ी मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं खरीदना, तो फिर मेरा जो पेज है अमेजोन की, वहाँ जाके आपको खरीद सकते हैं, जो कि स्पोर्ट की रिलेटेड बहुत सारे सामान है, और मैं क्या क्या यूज़ करता हूँ, क्या लैपटॉप यूज़ करता हूँ, क्या कैमरा यूज़ करता हूँ, सब कुछ वहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। तो फिर जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और वहाँ जाके आप खरीद सकते हैं। अगर आपको टी शर्ट चाहिए या फिर आपको चाहिए एक कैप, तो जाइए और खरीदे। तो फिर बात करते हैं क्वार्टर फाइनल के बारे में, यानी कि सुपर कप की क्वार्टर फाइनल के बारे में। तो फिर इस टाइम पे हमें लिस्ट देखने को मिल रहा है। तो फिर क्वार्टर फाइनल की जो लिस्ट है, और अभी अभी यानी कि भाई कल जो एक मैच हुआ वो खेला बेंगलुरु एफसी और चेन्नई सिटी एफसी। ये दोनों टीम काफ़ी इंटरेस्टिंग टीम है, और ऐसे में अगर देखा जाए चेन्नई सिटी एफसी ने 2 गोल डाला और बेंगलुरु एफसी ने 1 गोल डाला। तो फिर उसी के साथ साथ अगर बात करें भाई आज जो मैच होने वाला है, जो कि खेलने वाला है सुपर कप में, वो खेलेगा दिल्ली डायनामोस एफसी और एटीके। ये मैच काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप एटीके का फैन हो या फिर आप दिल्ली का फैन हो, तो इस मैच को जरूर देखना। तो फिर उसी के साथ साथ अगर बात करें सैटरडे को जो मैच होने वाला है, वो खेलेगा एफसी गोवा और जमशेदपुर एफसी। ये मैच काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोनों टीम काफ़ी इंटरेस्टिंग टीम है, काफ़ी अच्छा जो खेल दिखा सकता है। सैटरडे के मैच के बारे में अगर बात करें, जो कि खेलने वाला चेन्नई एफसी और नॉर्थ यूनाइटेड एफसी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है नॉर्थ यूनाइटेड एफसी के लिए। तो फिर अगर आप नॉर्थ यूनाइटेड एफसी का फैन हो, तो फिर इस मैच को जरूर देखना। तो उसी के साथ साथ अगर बात करें चेन्नई सिटी एफसी और टीबीसी, ये दोनों टीम काफी इंटरेस्टिंग टीम है, ये भी मैच होने वाला है 9 तारीख को, ये मैच देखा जाएगा। तो आज के वीडियो में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थे, बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो कहीं पे भी अच्छा लगा, तो एक लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।